Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the fourth part of solutions to NCERT questions of the solutions chapter of CBSE NIST class 12th chemistry. In this video we will talk about the exercise questions 9th to 17th. So the first question we have is, a sample of drinking water found to be severely contaminated with chloroform CHCl3 supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm by mass. Express this in percent by mass and determine the modality of chloroform in the water sample. एक water sample है जिसमें कि 15 ppm by mass of chloroform मिला है जो कि carcinogen है, यानी कि cancer causing है. इसी चीज़ को हमें mass percent के terms में show करना है, express करना है और determine the modality of the chloroform in water sample. वाटर सैंपल में जो क्लोरोफॉर्म है उसकी मोडलिटी कितनी ये निकालना है. तो 15 ppm मींस 15 पार्ट्स इन मिलियन विच इज 10^6 बाय मास इन द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के 10^6 पार्ट्स में से 15 पार्ट्स जो है वो क्लोरोफॉर्म है. परसेंट बाय मास इज 15 अपॉन 10^6 इंटू 100 विच इज 15 इंटू 10^-4%. तो इसको अपन ने परसेंट रिप्रेजेंट किया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100. तो 15 पार्ट्स पर 10^6 पार्ट्स, 15 अपॉन 10^6 इंटू 100% इक्वल्स टू 15 इंटू 10^-4%. एज ओनली 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10^6 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट इक्वल्स टू 10^6 ग्राम्स. तो सॉल्वेंट का जो मास है वो सोल्यूशन के मास के बराबर लेंगे क्योंकि बहुत कम क्वानिटी है. मोलर मास ऑफ CHCl3 इज 119.5 कैलकुलेट कर लिया हमने. मोल्स ऑफ CHCl3 इज 15 अपॉन 119.5, यहाँ से मोडलिटी निकाल लेंगे. मोडलिटी अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है इन ग्राम्स, उसी को लिख लिया. तो सॉल्व हो गया 1.25 × 10^-4 मोलर, 1.25 × 10^-4 मोलर आया. अगेन मोडलिटी का फॉर्मला आया हमने, सिंपली मोल्स निकाल लिए थे 15 अपॉन 119.5, उसी को सॉल्व करके इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg रख दिया. तो आंसर आ गया 1.25 × 10^-4 मोलर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. अल्कोहल वाटर के सॉल्यूशन में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का क्या रोल होता है, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन किस तरीके से काम करता है इन वाटर एंड अल्कोहल सॉल्यूशन. देखते हैं, द अल्कोहल एंड वाटर बोथ हैव द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो वाटर और अल्कोहल दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी होती है. ऑन मिक्सिंग द टू अ सॉल्यूशन इज फॉर्मड एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अल्कोहल एंड H2O मॉलिक्यूल्स, बट दीज इंटरेक्शंस आर वीकर और लेस एक्सटेंसिव देन दोज ऑफ प्योर H2O. अब जब दोनों के पास हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है तो फिर अल्कोहल और वाटर मिक्स होकर के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, लेकिन अल्कोहल और वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वीकर होती है एज कम्पेयर टू वाटर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. दस दे शो अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर विल हैव हायर वेपर प्रेशर एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर एंड अल्कोहल. तो जिसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो वीकर कमज़ोर है, इसलिए इसमें एक पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. आइडियल बिहेवियर से पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ देखने को मिले, जिस वजह से अल्कोहल वाटर सॉल्यूशन का जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर अलोन. इंडिविजुअली वाटर या अल्कोहल के कंपेरिजन में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू गैसेज ऑलवेज टेंड टू बी लेस सॉल्यूबल इन लिक्विड्स एट द टेम्परेचर इज रेज्ड. टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैसेज हैं वो लिक्विड्स में कम सॉल्यूबल क्यों हो जाती हैं. When gases are dissolved in water, it is accompanied by a release of heat energy. That is, the process is exothermic. When temperature is increased according to the Lee-Chatelier's principle, the equilibrium shifts in backward direction and the gases becomes less soluble in liquids. जब भी गैसेज लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज होती है. लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो ऑलरेडी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने तो एनर्जी रिलीज कम होगी. तो इक्विलिब्रियम जो है अकॉर्डिंग टू दी चैटलर्स प्रिंसिपल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट हेनरीज लॉ एंड मैंशन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस. हेनरीज लॉ बताना है, द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ. इट स्टेट्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड. गैस का पार्शियल प्रेशर जो है जितना भी होगा उसी के बेस पर डिपेंड करेगा कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कितना होगा. मैथमेटिकली पी इज इक्वल टू के एक्स टाइम्स ऑफ के एच टाइम्स ऑफ एक्स, जहाँ पे पी इज द पार्शियल प्रेशर, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन एंड के एच इज द हेनरीज कॉन्स्टेंट. यानी कि पी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड पी इक्वल टू के एच एक्स, जहाँ पे जो के एच है वो हेनरीज कॉन्स्टेंट है. एप्लीकेशन क्या है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस. कार्बोनेटेड बेवरेज यानी कि बेवरेजेस जो हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसमें कार्बन मिक्स होता है, दैट्स कॉल्ड कार्बोनेटेड बेवरेजेस. उनके प्रिपरेशन में एज सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इंक्रीजेस एट हाई प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पे CO2 का जो सॉल्यूशन सॉलिबिलिटी है वो बढ़ जाती है. पता है कि CO2 गेट्स मोर CO2 गेट्स डिसॉल्व्ड एट हायर प्रेशर इन डीप सी डाइविंग में एंड इन फॉर क्लाइंबर्स और पीपल्स लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड्स वेयर लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स बिकम वीक एंड मेक देम अनएबल टू थिंक क्लियरली. इन एप्लीकेशंस को डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है पहले इन द चैप्टर, आते समय एक्सप्लेन किया था प्रॉपर तरीके से इन एप्लीकेशंस को, तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ भी जाके. नेक्स्ट वी हैव द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 न्यूटन मीटर ऑफ -3 ग्राम्स ऑफ इथेन इज 1 bar. सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 न्यूटन मीटर ऑफ -3 ग्राम्स ऑफ इथेन इज 1 bar. If the solution contains 5×10^ of -2 grams of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? Partial pressure पूछ रहा है जब हमने quantity को change किया. 6.56 है तो pressure 1 bar है. अगर उसको 5×10^ of -2 कर दें -3 से तो उसका pressure कितना होगा. तो हम पहले given value से constant निकालेंगे. We know that m equals to k times of p, यानी कि हेनरीज कॉन्स्टेंट इंटू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोलिटी नंबर ऑफ मोल्स. देयरफॉर 6.56 इंटू 10 पावर ऑफ -2 इक्वल टू के एच टाइम्स ऑफ 1 bar. एंड देयरफॉर ऑल्सो फॉर द सेकेंड इक्वेशन 5×10^-2 grams इक्वल टू के एच टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. दूसरे केस में पी नहीं पता है, पी निकालना है. तो दोनों इक्वेशन को कंप्यूट करेंगे, आपस में इक्वेट करेंगे. 6.56 इंटू 10 पावर ऑफ -2 अपॉन 1 इक्वल्स टू 5×10^-2 अपॉन पी. यहाँ से पी निकालेंगे 0.762 bar. इसको ऐसे भी कर सकते थे कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते पहले वहाँ से केएच निकाल लेते और उस केएच की वैल्यू को दूसरे क्वेश्चन में रख देते और पी निकाल लेते. उसी को सिंप्लीफाई करके दोनों को इक्वेट कर दिया और डायरेक्टली पी निकाल दिया, विच इज 0.762 bar. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, What is meant by positive and negative deviation from Raoult's law and how is the sign delta mix H related to positive and negative deviation from Raoult's law? Positive और negative deviation का मतलब क्या है और delta H mix जो sign है इसका deviation से क्या connection है? Solutions having vapor pressure more than that of the expected from Raoult's law are said to exhibit positive deviation. ऐसे solutions जिनका vapor pressure expected what is expected from Raoult's law से ज़्यादा होता है, यानी कि expected vapor pressure से ज़्यादा अगर निकलता है तो उनको कहते हैं positive deviation. In this solution, solvent-solute interactions are weaker. That is delta H mix is positive because stronger AA or BB interactions are replaced by weaker AB interactions. जब positive deviation होता है तो solute-solvent interactions जो है वो weaker होता है as compared to solute-solute या solvent-solvent interaction. मतलब A अगर सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, तो ए ए इंट्रैक्शंस एंड बी बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंट्रैक्शंस. तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो पॉजिटिव हो जाता है. बेकिंग द स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन रिक्वायर मोर एनर्जी एंड लेस एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ द वीकर बॉन्ड्स. कम जो बॉन्ड बन रहे हैं वो वीकर होते हैं और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, जबकि जो बॉन्ड ब्रेक हो करके एनर्जी रिलीज करेगा फॉर्म होकर के जो एनर्जी रिलीज करेगा वीकर बॉन्ड होगा तो एनर्जी रिलीज होगी ज़्यादा होगी. सो ओवरऑल डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इसलिए एनर्जी जो है वो गेन होती है इंस्टेड ऑफ अब्जॉर्ब.
मतलब कि वीकर पॉइंट बना, एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी और पॉइंट बनने में एनर्जी कम चाहिए होती है, इसलिए डेल्टा एच इज पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा वी मिक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज सम वॉट मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो इस केस में डेल्टा वी मिक्स जो है वो भी पॉजिटिव होता है, मतलब कि द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज सम वॉट मोर देन द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, मतलब कि जो वॉल्यूम है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। So there is expansion in volume on the solution formation. Similarly, in case of solution exhibiting negative deviation, AB interactions are stronger than AA and BB interactions. So weaker interactions are replaced by stronger interactions. So more energy released and delta H is negative. Or in case of negative deviation, जो bond बनते हैं AB interaction के वो stronger होते हैं as compared to AA and BB bonds. तो stronger bonds हैं इसलिए energy required will be more. So delta H mix is negative. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है जबकि 1.004 बार का नॉर्मल प्रेशर प्रेशर अप्लाई हो रहा है एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट विद 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मोलर मास निकालना है, पहले वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर इज 1.013 बार, पी नॉट पता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.004 बार और मास ऑफ सॉल्यूट इज 2 ग्राम्स गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर का 18 ग्राम्स, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स, मास ऑफ वाटर इज सॉल्वेंट इज 98 ग्राम्स। 100 ग्राम सॉल्यूशन रिज्यूम कर लिया, 2 ग्राम अगर सॉल्यूट है तो 98 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा और यहाँ से लगाएंगे रॉल्स लॉ, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन परसेंट टू इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, चूँकि डायल्यूशन है 2% बहुत कम है, डायल्यूट सॉल्यूशन बींग 2%, सो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, लेकिन नीचे वाले केस में जो एन टू है उसे निगलेक्ट कर देंगे, विच इक्वल्स टू डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन एम वन अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन एन टू। यहाँ आ गया वैल्यूज रख देंगे सबकी, एन टू नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास विच इज डब्ल्यू टू अपॉन एम टू और नीचे वाले केस में डब्ल्यू वन अपॉन एम वन, दो वैल्यूज रखेंगे 0.013 पी नॉट था माइनस 1.013 पी नॉट है, 1.004 पी एस के वेन है और पी नॉट नीचे रखा, इक्वल्स टू 2 विच इज वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 18 अपॉन एम टू इंटू 98, एम टू हमें निकालना है यहाँ से, कैलकुलेट कर लेंगे एम टू इक्वल्स टू 41.35 ग्राम्स, यानी कि 41.35 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इसमें ऐड हुआ, ये हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म इन आइडियल सॉल्यूशन एट 323 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स इज 105.2 किलो पास्कल एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन। हेप्टेन और ऑक्टेन के आइडियल केस में दे रखे हैं, पी नॉट दिया हुआ है दोनों केस में, ये मान सकते हैं, एक का है 105.2 किलो पास्कल और दूसरे का है 46.8 किलो पास्कल। अब कह रहा है जब दोनों को हमने मिक्स कर दिया, 26 ग्राम्स ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम्स ऑफ ऑक्टेन को मिक्सचर में डाला, तो उसमें उसका वेपर प्रेशर कितना होगा ये निकालना है। मोलर मास ऑफ हेप्टेन कैलकुलेट कर लेंगे, 100 ग्राम्स आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन जो है वो आएगा 114 ग्राम्स पर मोल, निकालेंगे कैसे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करके बाय नंबर ऑफ एटम्स, तो 100 ग्राम्स एंड 114 ग्राम्स पर मोल। मोल्स ऑफ हेप्टेन प्रेजेंट इन मिक्सचर, मोल्स ऑफ हेप्टेन कितने हैं मिक्सचर में, 26 ग्राम गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 100 विच इज 0.26 मोल्स, मोल्स ऑफ ऑक्टेन 35 अपॉन 114 इज 0.307 मोल्स, दोनों के मोल पता है, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे फॉर हेप्टेन, तो 0.26 मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल्स विच इज 0.26 प्लस 0.307 विच इज 0.458, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 1 माइनस 0.458 इक्वल्स टू 0.542। वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन विच जो है वो निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स एक्सेच इंटू पी नॉट, पी नॉट में ऑलरेडी जो पता है 0.458 इंटू जो निकाला था इंटू 105.2 विच इज पी नॉट इक्वल्स टू 48.18 किलोपास्कल, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें मिक्सचर में इट बिकम्स 48.18 किलोपास्कल फॉर हेप्टेन। और ऑक्टेन के केस में हमने एक्स ओ निकाल लिया, पी नॉट पता था दिया हुआ क्वेश्चन में,
दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आगे 25.36 किलो पास्कल। दोनों का मिक्सचर में कितना होगा, 48.18 प्लस 25.36 इक्वल्स टू 73.54 किलो पास्कल। टोटल प्रेशर इक्वल्स टू इंडिविजुअल प्रेशर का सम, तो दोनों के निकालिए 48.18 एंड 25.36, दोनों को ऐड कर दिया तो जो मिक्सचर है उसमें प्रेशर होगा 73.54 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। एक मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वाटर में डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जबकि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी कि जो पी नॉट है वो है दिया हुआ है 100 विच इज 12.3 किलो पास्कल, यानी कि पानी अकेला है जब तो वेपर प्रेशर जो है वो 12.3 किलो पास्कल है एट 300 केल्विन, उसमें वन मोलर सॉल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाए तो कितना हो जाएगा प्रेशर, ये निकालना है। वन मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट मीन्स वन मोल ऑफ सॉल्यूट विद इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स पर मोल एंड मोल्स इज इक्वल टू 1000 अपॉन 18 इक्वल टू 55.5, गिवन वेट 1000 ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट 18 ग्राम्स पर मोल, सो 55.5 मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 1 अपॉन 1 प्लस 55.5 इक्वल टू 0.0177, वन मोलर सॉल्यूशन है तो 1 अपॉन 1 प्लस 55.5 इक्वल टू 0.0177 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब पी नॉट हमको पता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू, एक्स टू निकाल चुके हैं पहले से विच इज 0.0177, पी नॉट पता है 12.3, पी एस निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे, पी एस आ जाएगा 12.08, यानी कि जो 12.3 था आइडियल केस में अकेले वाटर में, वो प्योर केस में जो 12.3 था वो सोल्यूशन बनने के बाद 12.08 हो गया, मतलब कि कम हो गया। तो ये आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में कोचिंग में सब जगह शेयर करें ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ।